हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स टॉक। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड। आज एक महीने के बाद मैं फिर से कोई एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम के बाद मैं इस चैनल के लिए कोई वीडियो शूट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने गैप ले लिया, फिर से बहुत ज़्यादा टायरिंग सा लग रहा था तो सोचा कि नहीं। तो आज मैं आप लोगों के साथ दोबारा आ गई हूँ एक वीडियो शेयर करने के लिए हैशटैग टॉक विद दिलसे का। और दूसरा रीज़न ये है कि जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मेरे पे जब भी टॉपिक होगा, कोई मेरे पास क्वेश्चन होगा, जो क्या बोलूँ क्वेश्चन, हाँ कोई भी आप लोगों का होगा सवाल, तो मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। तो बहुत टाइम से मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, कोई इस तरह के कमेंट्स नहीं आ रहे थे जिसका मुझे एक्चुअल में वीडियो बनाना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। तो अभी मुझे फिलहाल में एक मिला है कमेंट, उनका कुछ एक सवाल है, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं और वीडियो बनाते हैं हैशटैग टॉक विद दिलसे का। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो, अगर कोई भी आपका है क्वेश्चन, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मेल कर सकते हो, एफबी पर पूछ सकते हो, जहां आपको सही लगे। जस्ट मेंशन हैशटैग टॉक विद दिलसे एंड आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी, मैं कुछ ज्यादा क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, कुछ भी है तो आप मुझसे वहाँ जाकर के पूछ लो। और बाकी कैसे हो आप सब लोग ये भी बताओ। बहुत टाइम के बाद, मतलब मैं नॉर्मल वीडियो में बहुत दिन से इस चैनल पर अपलोड नहीं की हूँ। अब ऐसा नहीं करूँगी, एटलीस्ट एक वीडियो तो वंस इन अ वीक मैं डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टाइटल पढ़ लिया होगा, व्हाट इज फोमो। मैंने बहुत दिन पहले एक, आई थिंक होली के करीब, जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट भी नहीं किया था तब मैंने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर, व्हाट इज एंजाइटी एंड हाउ टू ओवरकम इट। उसी पर मुझे एक जो है कमेंट आया था कि फोमो मुझे बताओ, फोमो क्या होता है, फोमो के बारे में आप यहाँ पर डिस्कस करें कुछ। और एंजाइटी का वीडियो सबको बहुत अच्छा लगा था, तो थैंक यू सो मच वीडियो को पसंद करने के लिए। दो आई एम नॉट कोई डॉक्टर नहीं हूँ, या फिर मैं इस तरीके से कंसल्ट नहीं करती हूँ या कंसल्टेंट नहीं हूँ, बट यस जो मैं फील करती हूँ, जो मुझे लगता है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आज वही हम लोग दोबारा से एक बार ही शेयर करेंगे कि व्हाट इज फोमो, फोमो होता क्यों है, उसे ओवरकम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे इसका नाम है फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये एक टाइप की एंजाइटी है, ओके, इट्स ऑल्सो एंजाइटी, आप बोल सकते हो एंजाइटी का पार्ट है। एंजाइटी, जैसे मैंने एक ओवरऑल बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि एंजाइटी क्या होती है, ये उसी में से एक चीज है कि फोमो भी जो है वो भी एंजाइटी है। आदमी का जो एक कंट्रोल है अपने ऊपर, कह सकते हो नहीं रहता, या फिर वो लेना नहीं चाहता, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको हर जगह लगता है कि वहां ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, मैं क्यों इन्वॉल्व नहीं हूं, दिस काइंड ऑफ, एंड इट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है जिसको फोमो नहीं होता हो। एंजाइटी कोई आपकी बीमारी नहीं है, एंजाइटी ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कोई दवाई खानी है, ठीक है। और एंजाइटी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने हैं, अपॉइंटमेंट लेना है। ये एक आदमी के दिमाग की बात होती है, वो चीजों को किस तरीके से ले रहा है। तो एंजाइटी के अंदर जो फोमो है वो हर एक इंसान को होता है। किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, कोई उसको अपने ऊपर हावी होने देता है और कोई जस्ट उसको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाता है। जो लोग ये काम कर लेते हैं उनकी लाइफ बहुत हेल्दी हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। बट जो उस चीज को स्टिक करके अपने दिमाग में रख लेते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो वहां नहीं गया, वो चीज नहीं हुई, मेरे बिना ऐसा हो गया, मेरे बिना वैसा हो गया, उसी चीज में जूझते रह जाते हैं। उससे नेगेटिव क्या जाता है कि आपकी हेल्थ जो है ना चाहते हुए भी वो डाउन जाती है, उसका ग्राफ डाउन जाता है। आप खाना पीना ढंग से नहीं खाओगे, आपके दिमाग में वही सब घूमता रहेगा, आपको लैक ऑफ स्लीप होगा, आप सोओगे नहीं, आपका जो पर्सनल लाइफ है वो आपकी मिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। फोमो के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभार होता है हम हड़बड़ा करके, हमें फ्रेंड सर्कल बनाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, हम बनाते हैं। हमेशा एक चीज बोली जाती है, एक लाइन होती है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर बिलीव रखना चाहिए, क्वालिटी इज बेटर, क्योंकि क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, नंबर से कुछ नहीं होता, ठीक है। वो कितना, किसकी कितनी वैल्यू है, 100 भी होंगे मतलब नहीं होगा, बट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनकी जो एक वैल्यू होगी वो 99 और 100 की नहीं हो सकती है। ये बिटर ट्रूथ है, बट है। तो हमेशा हम, सोशल मीडिया आजकल ऐसी चीज होगी ना जो छोड़ी भी नहीं जाती है, आप छोड़ भी नहीं सकते हो उसको और उसके बिना रह भी नहीं सकते हो। वो दोनों ही चीजें, अब छोड़े हुआ कहते हैं ना, खाए बिना भी चैन नहीं है और उसको थूके बिना भी चैन नहीं है। तो ऐसी कुछ चीजें जब हम करते हैं हमारी लाइफ में और उनको हावी होने देते हैं तो वो हमको फोमो हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ता है, हमें एक तरीके से एंजाइटी हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन किए हैं, मैं वही आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला तो ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कभी कभार, मेरी बेटी ने पीछे ड्रॉइंग कर दी है, एक्सक्यूज, और तो मैं सोच रही थी कि मैं भूलूँ नहीं, इसीलिए मैं आपको सारा डिटेल में बता सकूँ। तो सबसे पहली बात तो होती है कि फोमो है, एंजाइटी है, और हमारा बीपी से लेकर के हर चीज़ को मिसबैलेंस कर देती है। तो दूसरी उसके कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने होते हैं। अगर हम उस हिसाब से अपनी लाइफ को रन करते हैं, चलाते हैं, तो आई गिव यू गारंटी कि आप बहुत हद तक अपने आप में रिलीफ पाओगे, सेटिस्फाइड पाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है चेंज योर हैबिट्स, ठीक है। चेंज योर हैबिट मतलब सबसे पहले तो अपने आप को इवैल्यूएट करो कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ सब कुछ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं पहन सकती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं किसी को देख रही हूँ ऐसा करते हुए कि हाय वो सपोज उसने बहुत शॉर्ट्स पहना हुआ है एंड बिल्कुल यू नो स्लीवलेस एंड बिल्कुल स्ट्रिप वाली टॉप वगैरह पहनी, मैं उसको देखकर कह रही हूँ कि मुझे भी करना है ये चीज़, बट एक्चुअल क्या है कि मैं नहीं कर सकती। उस नहीं करने का रीज़न कुड बी एनीथिंग, आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, हो सकता है आपकी बॉडी पर वो अच्छा नहीं लग रहा हो, ठीक है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, सामने वाला किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो हो सकता है, कुछ भी, कुड बी एनीथिंग, ठीक है, रीजन। बट मैं चाह रही हूँ वो काम करना बट मैं कर नहीं सकती हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे अंदर अंदर क्या लगेगा, एक इनसिक्योरिटी आएगी इन, और खुश नहीं होगे कहीं तक। तो ठीक है, सबसे पहले इवेल्यूएट करो व्हाट यू कैन डू एक्चुअली, ठीक है, और वो काम नहीं, जब आप कर सकते हो नहीं कर पा रहे हो तो वो एक अलग चीज हो गई, बट जब आपको पता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो बट करना चाहते हो, वो काम मत करो, उस चीज को हटा दो, ठीक है। आप खुद से समझो, इवेल्यूएट करो उस चीज को कि जो चीज कर ही नहीं सकते उसके पीछे भागने से क्या मतलब है, ठीक है। फिर लेस यूज ऑफ सोशल मीडिया, मैं ये नहीं बोलूंगी सोशल मीडिया को हम बिल्कुल अपनी लाइफ से कट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, किसी के भी साथ नहीं हो सकता, सबके पास आजकल, बच्चे के पास भी नॉर्मल स्मार्टफोन होता है, फेसबुक तो आज 11-12 के बच्चे ही चलाते हैं, तो एक मतलब ये सारी चीजें हम, और वो सही भी नहीं है, कहते हैं कि डिस्कनेक्ट हो जाना इज नॉट अ राइट वे, ठीक है। तो बट आप उसका यूज लिमिटेड कर सकते हो, अगर अभी आप दिन में 10 बार यूज करो तो ट्राई करो कि उसको 1 बार ही यूज करो, ग्रेजुअली उसको कम करते रहो, 10 का 9 करो, 9 का 8 करो, 8 का 7 करो, ऐसे ऐसे करके कम करो सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा जो आजकल जो ट्रेंड में म्यूजिकली वगैरह हो गया करके, तो हम क्या होते हैं कि ना किसी ने कोई चीज बनाया, कोई म्यूजिक बनाया, हम भी ट्राई करेंगे, ऐसी करेंगे, हो नहीं पाता यार, एक्टिंग हर कोई नहीं कर सकता। अगर मैं भी बोलूं कि मैं अपना म्यूजिकली पे अकाउंट खोलकर मैं भी सेम उसी तरीके का कर लूं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा टैलेंट नहीं है, बट मैं फिर भी अगर उसके पीछे भागूंगी विच इज बैड, ठीक है। आप अपने आप से भी नाइंसाफी कर रहे हो, आपको पता है आप कर नहीं सकते हो वो चीज, बट अपने आप को फोर्स कर रहे हो, आपकी बॉडी को फोर्स कर रहे हो, आपके दिमाग को फोर्स कर रहे हो वो काम करने के लिए जो आप नहीं कर सकते। नो वन कैन बी मल्टीटास्किंग, हर चीज कोई नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा 4 काम एक जना कर सकता है, बट ये सोचो कि दुनिया का एक हर काम कर लूंगी, अगर मैं आज खाना बना लेती हूँ, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मैं डांस बहुत अच्छा कर लूंगी, अगर मैं डांस कर लेती हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं गा भी बहुत अच्छा लूंगी। तो ये चीज, ठीक है, इस चीज का हमेशा, इसलिए सोशल मीडिया से थोड़ा सा धीरे धीरे कटोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। थर्ड नंबर है फ्रेंड्स, वही नंबर, क्वालिटी पर जाओ रादर देन क्वांटिटी, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है, आप भी कंफ्यूज होगे, आपसे जुड़े हुए जो रिलेटिव्स हैं, आपकी जो फैमिली है, आपका पार्टनर है, वो भी कंफ्यूज होगा, अरे आज ये, कल ये, आज ये, वो वाली चीज। फ्रेंड्स कम बनाओ, 2 बनाओ, बट बहुत अच्छे बनाओ, जब आपको लगे कि यस यू वांट टू डिस्कस समथिंग विद देम, डिस्कस करो, स्टिक विद देम, और बस कि बहुत भीड़ के पीछे मत भागो, लिमिटेड रहो। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके कम दोस्त हैं तो आपको लोग गलत नजरिए से देखेंगे या आप पर कुछ करेंगे, वो आपकी चॉइस है, आपको कम दोस्त रखने हैं, बट अगर एट द सेम टाइम अगर कोई है उस चीज में बहुत ज्यादा होशियार है, उसको पता है कि मुझे फ्रेंड्स कैसे मैनेज करने हैं, वो बनाए ज्यादा, बट अगर आप नहीं कर सकते हो मैनेज तो ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, उस चीज में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अपनी लाइफ को थोड़ा सा, होता है ना किचन, हमारी एग्जाम्पल लेते हैं, क्लटर हो जाती है, कितनी गंदी लगती है, तो हम कहते हैं उसको डीक्लटर करना है, हमारी लाइफ भी उसी तरीके से है, अगर उसमें बहुत कुछ भर लेंगे, बहुत चीजें, ये भी तो कहीं ना कहीं आपको ना सफोकेशन होगा, आपकी लाइफ सफोकेट हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सुलझी हुई लाइफ रखो अपनी, ठीक है। मेरी फैमिली, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, मुझे पता है कि मेरी लाइफ कितनी है, बैक टू इंडिया कितनी बड़ी है, फैमिली यहाँ क्या है करके। बहुत ज़्यादा अगर मुझ में मैनेज नहीं हो सकता तो मैं मेरा पर्सनली करती हूँ कि मैं बहुत कम लोगों से कॉन्टैक्ट रखती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, और उसको निभा करके चलो। डीक्लटर करो, जो चीज तुम्हें लगती है तुम बहुत लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते उसको धीरे 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 करके टाटा बाय बाय बोल दो, सिंपल। ये फंडा होना चाहिए। एंड उसके बाद होता है कि अपना सपोज मुझे किसी ने इनवाइट किया, अच्छी चीजों को हमेशा यस बोलो। कुछ चीजों पे हमें होता है हमें कहना नो है, बट हमारे मुंह से नो नहीं निकलता, हम बीच में टंग जाते हैं, हाँ कहें कि ना कहें, हाँ 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 कहते आ रहे हैं। बाय एंड ऑफ द उस लाइन हमको लगता है अभी तो हमको नो कहना है, अभी हमने नो कह देंगे तो कैसा होगा। तो हमेशा एक नो कहने की आदत, अगर आपको पता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते हो तो day 1 से नो बोलो उस चीज को। नो बोलने में कुछ बुराई नहीं होती है। लोगों को, बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर सपोज मैंने किसी को अपने मुझे कोई पार्टी में बुला रहा है, मैं जा नहीं सकती हूँ, बट मैं अपने आप को फोर्स कर रही हूँ कि हाँ मैं चली जाऊंगी। क्यों? आपकी हेल्थ भी एक कुछ मैटर करती है आपके लिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा सा, चीजों को नो बोलो, चीजों को पता है अगर नहीं कर सकते हो तो हट जाओ उस जगह से, सिंपल। और अगर कोई फन चीज है तो उसको हमेशा यस बोलो, अगर आप बिजी नहीं हो किसी दूसरे काम में तो, ठीक है। रादर देन एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मुझे अभी कोई बोल रहा है कोई फन मूवी है जिससे मुझे पता है मेरा माइंड फ्रेश होगा, सेकंड जगह मेरे को बोला जा रहा है किटी पार्टी, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मूवी के लिए जाओ, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, रादर देन किटी पार्टी। किटी पार्टी इस लेडीज की आपको पता है आप जाकर के गॉसिप करने वाले हो, दूसरे तीसरे इसकी उसकी बातें करने वाले हो, उससे फार बेटर है आप मूवी के लिए जाओ, उसको हाँ बोलो, वो फन है, उससे आपका जो दिमाग है वो सही थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश एयर आपके अंदर जाएगी, रादर देन गोइंग फॉर किटी पार्टी, ठीक है। इस तरह से चीजों को अलाइन करके चलना होता है, प्रायोरिटीज को हमेशा मेंटेन करके चलना होता है। तो यस, उसके बाद नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि वो हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, हमको फोमो होने से बचाता है, वो ये होता है कि हमेशा अपने आप को ना अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कैसी हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, क्या मुझे पसंद है, हमेशा अपने आप को यू नो डीमोटिवेट खुद से नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद से ही अपने आप को डीमोटिवेट करोगे, वन डे आपको खुद से लगेगा कि मतलब दूसरों की बातों आप तो झट से मान लोगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है करने में उसको करना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि चीज़ अच्छी लगती है करना चाहिए तो जाओ और चुगली कर लो बहनों या भाइयों, जाओ और फालतू की गपैती मार लो नहीं, कुछ प्रोडक्टिव काम करो, रादर देन यू नो स्पेंडिंग मच टाइम ऑन सोशल मीडिया या किसी से फ़ोन पर लगे रहना। मैं भी करती हूँ, मैं भी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया का कीड़ा है मेरे को, मैं खुद को भी सुधार रही हूँ। मुझे लगता है इसलिए शायद से मैंने जॉट डाउन किए और सेम टाइम पे मुझे क्वेश्चन आया तो मैंने कहा चलो बताते हैं, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सच बोलना, खुश रहना, तो हमेशा वो करो जो आपको अच्छा लगता है। अपना जो टाइम है ना किसी वैल्यू में इन्वेस्ट करो, मतलब कुछ वैल्यू टाइम काम होता है ना वो करो, जिसमें आपको पता है कुछ प्रोडक्टिव है, कुछ करोगे तो कुछ मिल जाएगा, आप टाइप सीख लोगे, कुछ पढ़ लोगे, उस तरीके से करो हमेशा, ठीक है। और कुछ भी करने से पहले हमेशा लिस्ट बनाओ, जैसे मैं बनाती हूँ, कुछ भी करने से पहले मैं हमेशा लिस्ट बनाती हूँ। ये मेरा मेरे चैनल को लेकर के है, लिस्ट बना करके जब काम करते हो, जब काम खत्म हो जाता है यू विल बी सेटिस्फाइड, आपको पता होगा कितना आपने किया है, अप टू मार्क हो या नहीं हो करके, फिर अपने आप को आप इवेल्यूएट कर पाओगे, तो वो चीज़ करो। उसके बाद कहते हैं ना कि मेंटेन करना है और प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके जो टारगेट होते हैं लाइफ के, कभी कभार होती है चीज़ें हम कह नहीं पाते, सपोज कोई दिल की बात किसी को कहनी है ना, वो भी एक चीज़ है, दिल में रख लेना चीज़ों को, काइंड ऑफ फोमो। फोमो का मतलब ये नहीं है सिर्फ एक यही चीज़ नहीं है कि लाइन जैसे बोलती है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सिर्फ पार्टी में नहीं गए और आपको फोमो हो गया, मूवीज देखने नहीं गए फ्रेंड्स के साथ और फोमो हो गया। नहीं, फोमो बहुत सारी चीजों के साथ हो सकता है। कई चीज आप कहना चाहते हो, सपोज आपके रिलेटिव्स को, आपकी फैमिली को, आपके बड़ों को, छोटों को, फ्रेंड्स को, हस्बैंड को, वाइफ को नहीं कह पाते हो, तो हम अंदर अंदर एंजाइटी फील करने लगते हैं। बेस्ट है उसको उतने टाइम में ही कहो, डिस्कस करो अपने क्लोज वन के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम खा रही है, दिमाग वो कर रहा है, झिझोल रहा है, तो उस चीज को जाकर के कहो, रादर देन कीपिंग इन आवर सेल्फ, उसको डिस्कस करो किसी के साथ। उसके बाद जो सबसे अच्छा चीज़ होता है इन सब चीज़ों से रिलीफ पाने का, वो होता है मेडिटेट करना। मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एकदम मेंटेन करके चलती है। स्टार्टिंग में लगता है आप नॉर्मल, एक मिनट, सॉरी मेरे फ़ोन की ना मेमोरी, आज मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ एंड मेमोरी ना फुल हो गई थी। हाँ, तो मैं बोल रही थी मेडिटेट करना, मेडिटेशन एंड योगा। स्टार्टिंग में हम जब स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें होती हैं, सपोज जिम हुआ तो हम कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं उस चीज़ पर, ध्यान लगा करके हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिम करोगे तो बॉडी एक वगैरह ये सारा, मेडिटेशन जब करते हैं सपोज अगर जैसे कि हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, नहीं हो पाता, हमारा ध्यान उधर जाता है, इधर जाता है, ठीक है, हम एकदम से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं उस चीज़ को लेकर के। बट यस, धीरे धीरे जब आप उस चीज़ को करोगे, एक वीक, 2 दिन, 1 वीक, 2 वीक, इस तरह से जब होगा तो आपका धीरे धीरे उस चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और आपको एक रूटीन बन जाएगा। कहते हैं ना कि नींद सुबह नहीं खुलती है, 1 दिन उठो, 2 दिन उठो, 3 दिन, 4 दिन, स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होती है शरीर को, आपकी आंखों में दर्द होता है, सब कुछ, बट वो रूटीन बन जाता है। सेम विद योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से। तो हमेशा वो सारी चीज़ें करो, उससे क्या होगा, जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मैं बोलूँगी इतने सारे जितने पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, सबसे पहले करना, अगर आप ये काम स्टार्ट करोगे, जब अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा, उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ करने का ठान लेते हो ना कि ये चीज़ मुझे करनी है एंड ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, तो आप वो मैनेज कर पाओगे दोनों चीज़ों को, ठीक है। आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। तो कंसंट्रेशन लाइफ में होना, किसी चीज़ का एक फिक्स कर लेना, माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो वो चीज़। उसके बाद होता है कि कुछ टाइम अपने आप को देना चाहिए। लाइक आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक, तो मैं एटलीस्ट 1 घंटा म्यूजिक सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे स्लो म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे डांस के गाने हो गया, बहुत लाउड म्यूजिक हो गया, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ, मैं थोड़ा मटक भी लेती हूँ, गाने भी सुन लेती हूँ, मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है बॉडी में। तो वो सारी चीजें, आपको जो काम करना अच्छा लगता है, आपको स्पा जाना अच्छा लगता है, जो आपको थोड़ा सा शॉपिंग करना अच्छा लगता है, करो। नॉट ये कि बहुत ज्यादा पाउंड, रुपीज और डॉलर आपको खर्च कर रहे हैं, बट यस, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बाहर जाओ, कॉफी पी करके आ जाओ, मिल्क शेक पी करके आ जाओ, थोड़ा सा आपको फील होगा अच्छा। बट यस, रादर देन रनिंग बिहाइंड समथिंग जो आप कर नहीं सकते हो, हर चीज यू कांट बी अवेलेबल, ठीक है। सपोज अब मेरे 5 ग्रुप हैं, मैं उसमें से अगर कहीं जा सकती हूँ तो मैं एक ही जगह जा सकती हूँ, बाकी 4 जगह नहीं जा सकती। मैं कोई मूवी नहीं चल रही है, मेरे किसी ने क्लोन्स नहीं बना दिए कि मैं 5 जगह पहुंच जाऊंगी, एक जगह जा पाऊंगी, तो उसको एंजॉय करो। रादर देन, वो कहते हैं ना कि पास्ट को हम जो चीजें मिस कर रहे हैं उसको हम बहुत ज्यादा याद करते हैं, जो जिस हमने एंजॉय नहीं की। बट ये सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता आपने जहाँ बैठे हो वहां एंजॉय कर रहे हो, वो भी तो मैटर करता है ना। तो उन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक मैंने बहुत सारा बकर कर लिया है, बहुत सारा आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ सोचते हो कि क्या करने से आपको फोमो नहीं होगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, या क्या आप करते हो जब आपको ऐसा कुछ होता है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर मुझे कुछ और भी समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो यस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, #talkwithdilse का ये वाला टॉपिक, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कुछ भी है, सुझाव है या कुछ भी है, तो डू लेट मी नो। एंड तो यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।